أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ہماری گفتگو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہونے والی آیات کے ذیل میں چل رہی تھی اور ایک طویل آیتوں کا سلسلہ کہ جو بنی اسرائیل کی تمام خرابکاریوں اور ان کے ایمان اور ان کے معصیت اور ان کی مخالفت اور ان کے توریت کی تعلیمات کی مخالفت کے سلسلے میں جو آیات بیان ہوئی خوبی آیت جو 100ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی 100 اَوَكُلَّمَا آحَدُوا یہ اوکلمہ جو ہے وہ یہ ا جو ہے یہ کوشچن ہے سوال ہے کیا یعنی اچھا واؤ جو ہے وہ پیچھے والے سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہے اور کہتے ہیں کہ اصل جو یہ واؤ پہلے اور حمزہ بعد میں ہے لیکن چونکہ حمزہ جو استفام کے لیے آتا ہے یہ شروع میں آتا ہے اس لیے واؤ سے بھی پہلے آیا ہے یہ تو یعنی اس طریقے سے ہو جائے گا کہ اور کیا کلما اور کیا ایسا نہیں ہے کہ عہدو ایگریمنٹ کو کہتے ہیں عہد عقد عہد ایگریمنٹ وعدہ کرنا یا ایگریمنٹ کرنا اوکلما عہدو عہدن خب آپ لوگوں نے آیت اوپر کی جو آیات ہیں اس کو ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ توریت نے اور انبیاء نے بنی اسرائیل سے مختلف عہد و پیمان لیے. اچھا یہاں پر جو ہے وہ کون سا عہد و پیمان مراد ہے؟ ظاہر اس میں آیت میں تو بیان نہیں ہے کہ کون سا عہد و پیمان ہے, لیکن بعض نے کہا کہ یہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا. لیکن بظاہر یہ بعید لگتا ہے کیونکہ اوکلما عاہدوا عاہدا کہ جب بھی ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا, خب یہ تو ایک عہد و پیمان ہو جائے گا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی عہد و پیمان ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو, ظہور جو ہے وہ اسی قسم کا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ کلما یعنی جب بھی, جیسے مثال کے طور پر
माँ बच्चे को ये कहे कि जब भी मैंने तुमसे ये बात कही तो तुमने जरूर इसकी मुखालफत की, यानी मुतअद्दिद अहदो पैमान थे, मुतअद्दिद एग्रीमेंट थे, मुतअद्दिद चीज़ें थी। तो यहाँ पर भी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि अवकुल्लमा आहदु आहदन, आहदु यानी जब उन लोगों ने अहद किया, आहदन किसी भी वादे को, किसी भी अहद को, यानी किसी भी बात को प्रॉमिस किया, आहदन यानी कोई भी वादा। अब ये ऊपर जो भी वादे मुख्तलिफ इन लोग से लिए गए, अंबिया का कत्ल ना करना, आपस में झगड़ा ना करना, अपने दियार से, अपने वतन से बाहर ना निकालना, बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर का जो वाक़िया था, तो ये सारे जो वो मुराद हो सकते हैं, या बहरहाल वाज़े नहीं कि ये कौन से अहदो पैमान हैं, बज़ाहिर वही हो सकते हैं कि जो ऊपर बयान हुए हैं। नबज़ा, नबज़ा का मतलब क्या है? वैसे नबज़ा का मतलब होता है फेंकना, नबज़ा का मतलब होता है फेंकना। मतलब किसी चीज़ को आगे की तरफ आप फेंकें, पीछे की तरफ फेंकें, ये नबज़ा का माना है। यहाँ पर मुराद क्या है नबज़ा? यानी छोड़ देना, अहदो वादा और प्रॉमिस को तोड़ देना। नबज़ा यानी छोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए इबारत क्या है, इबारत है नबज़हू, यानी नबज़ा का फाइल क्या है, किसने छोड़ दिया, वो कौन है जिसने, जो छोड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें, नबज़ा, हु और फरीक, ये तीन चीज़ें नबज़ा, हु और फरीक। और क्या ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने अहद व पैमान किया तो नबज़ा हु, तो हु की ज़मीर जा रही अहद की तरफ, यानी वो प्रॉमिस जो किया गया था, आहदन यानी वो प्रॉमिस, वो बात जो कही गई थी, नबज़ा छोड़ दिया उसको, किसने छोड़ा, फरीक मिनहुम यानी उन यहूदियों में से बाज ने, मिन आया है सही ना, फरीक मिनहुम, फरीक यानी एक गुरोह, फरीक का मतलब है एक गुरोह, कि उस यहूदियों का एक गुरोह ने उस अहद व पैमान को तोड़ दिया, पामाल कर दिया सही ना। बल अक्सरुहुम ला युमिनून। खूब तवज्जो करें यहाँ पर, ये एक लताफत देखें इस कुरान की आयत की। देखें एक दफ़ा जो है वो कोई शख्स, मिसाल दूँ मैं आपको कि एक दफ़ा एक मुसलमान है, एक मोमिन है, हुक्म खुदा को मानता है लेकिन मुखालफत करता है, कंडेम्ड है, काबिल मजम्मत है, काबिल मजम्मत है ऐसा शख्स कि जो हुक्म खुदा को की मुखालफत करे, हुक्म नबी और इमाम की, इमामों की मुखालफत करे, खूब काबिल मजम्मत है, कंडेम्ड है, लेकिन ईमान रखता है। खूब इन यहूदियों के बारे में कुरान की आयत कहती है कि ये लोग वो हैं कि इनमें से बाज़ हुए कि जिन्होंने अहद को छोड़ दिया, तोड़ दिया। बल से कहते हैं नहीं, बल्कि बल अक्सर हम ला यूमिनून, बल्कि अक्सर ये तो असल ईमान ही नहीं लेकर आए, ईमान ही नहीं रखते इन चीजों पर। तो जो फरमाते हैं हो, अभी आयत जो है वो आसान आयत है, कोई इतनी ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। आयत नंबर 101, 101, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون। خب देखिए ये आयत, ولما جاءهم
अब ये खुद वलम जाहुम से ये जो इब्न अब्बास से नकल हुआ है, अहदन से मुराद रसूल के ऊपर ईमान लाना, ये दुरुस्त नहीं लगता है। सही ना? क्यों? इसलिए कि ऊपर एक जनरल बात हो रही है कि जब भी इनसे अहद पैमान किया गया तो उन्होंने इसको तोड़ दिया, और जब इनके पास रसूल आए, तो यहाँ पर रसूल से मुराद खदीम मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब इसे ऐसा लगता है कि वो जनरली तमाम अहद पैमान की बात की जा रही थी, और यहाँ पर पर्टिकुलर अब खास अब ये वाली आयत जो कि वो खास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं ये। वलम्मा जाओहुम, और जब इनके पास रसूल आए, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है यहाँ पर। सही ना? जानते हैं आप लोग कि रसूल एक उमूमी लफ्ज़ है, और हर रसूल 313 रसूलों को रसूल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुराद नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बेहसब ज़ाहिद। सही ना? वलम्मा जाओहुम रसूलु मिन इंदिल्लाह है, वो रसूल जो खुदा की जानिब से, मिन इंदिल्लाह का मतलब क्या है? मिन इंदे यानी खुदा की तरफ से, इन कहते हैं तरफ से, खुदा की तरफ से, इंदना यानी हमारे पास है, इंदी मेरे पास है, मिन इंदिल्लाह यानी खुदा की तरफ से, खुदा के पास से, खुदा की तरफ से। जब रसूल आए इन यहूदियों के पास, वो रसूल की सिफत क्या थी? मुसद्दिकुन सिफत है, क्वालिटी है रसूल की। वो क्या सिफत है रसूल की? मुसद्दिकुम मा माहुम, तस्दीक करने वाले हैं, तस्दीक करने वाले हैं, यानी वो रसूल तस्दीक करने वाले हैं। अब यहां पर माँ से मुराद क्या है? मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले हैं। तस्दीक किसको कहते हैं? इंडोर्स करना, और तस्दीक यानी मैं कहता यही इसका अप्रोप्रिएट लर्ब हो सकता है, यानी उसकी ताईद करना। सही ना? उसकी ताईद करना, तस्दीक करना। अब यहाँ पर दो एहतमाल है कि वो माँ से मुराद क्या है। एक ये है कि वो तौरेत और इंजील, वो तौरेत और इंजील के जिसमें बशारत आई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी खाली तौरेत और इंजील की तस्दीक नहीं करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो एक मुनाजरा हुआ था इमाम रजा अलैहिस्सलाम का मामून के दरबार में, खूब तवज्जो करें उसकी उस मुनाजरे से, मैं इस माना को समझाने के लिए उस मुनाजरे की मदद लूं, कि जब उस ईसाई ने पूछा कि क्या आप हज़रत ईसा पर ईमान रखते हैं, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अगर हाँ कहते तो जो वो बात ख़त्म हो जाती कि हज़रत ईसा पर आप भी ईमान रखते हैं, हम भी ईमान रखते हैं। सही है ना? और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को हम नहीं मानते हैं। तो अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने यूँ जवाब दिया था जो नकल हुआ है, कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस हज़रत ईसा पे ईमान रखता हूँ कि जिसने जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी। अब ईसाई के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने कहा कि अच्छा आप फिर बताएं कि तौरेत में कहाँ पर आया। फिर इमाम ने जो वो नकल के मुताबिक जो को तौरेत की आयात का की तिलावत करना शुरू की, और उन आयात को पढ़ा कि जिसमें जिस तौरेत में जो है वो जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई थी, उसमें हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की आयत उसमें से तौरेत में से पढ़ी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से दो एहतमाल है, तस्दीक करने वाले हैं। क्या तस्दीक करने वाले हैं? किसकी तस्दीक करने वाले? उस तौरेत और इंजील की कि जो जिसमें जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आई है, उसकी तस्दीक करने वाले हैं, एक एहतमाल। दूसरा एहतमाल क्यों नहीं? तौरेत की तस्दीक करने वाले की अल्लाह की जानिब से है। सही ना?
अल्लामा तबरसी कहते हैं कि ये जो पहला वाला माना है ये ज़्यादा बेहतर माना है, क्योंकि ये हुज्जत बनेगा, सही ना, जिस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये कहना हुज्जत बन गया उसके ऊपर कि मैं उस ईसा को मानता हूँ, हज़रत ईसा को मानता हूँ, उस मसीह को मानता हूँ कि जो रसूल की बशारत देने वाले थे, ख़त्म हो गई बात, सही है ना। तो यहाँ पर भी जो वो मुसद्दिकुल लिमा मअहुम कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत ये कि तस्दीक करने वाले हैं, लेमा उस तौरेत और इंजील की, माहूम जो उन यहूदियों, माहूम की जमीन जा रही, होम की जमीन जा रही किसकी तरफ, यहूदियों की तरफ। सही बात है इंशाल्लाह कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तस्दीक करने वाले उस तौरेत और इंजील की जो उनके पास मौजूद है। खुब लम्मा जाओहुम, लेकिन लम्मा कंडीशन के लिए आता है, शर्त के लिए आता है, जब के मानों में आता है, तो इसकी एक जजा भी होगी। जब भी कोई जुमला जब के साथ हो, जैसे खुद मेरा ये जुमला, जब भी कोई जुमला जब के साथ हो तो इसकी एक जजा और इसका एक जवाब हुआ करता है। ये जो मैंने कहा कि तो इसका कोई ना कोई जजा और जवाब हुआ करता है, ये जब के हमेशा साथ होगा। जब भी सूरज चमकेगा तो दिन हाजिर होगा, जब भी ये शख्स आएगा फितना ईजाद करेगा, तो ये शर्त और जजा है। जब भी ये आएगा, शर्त हो गई, फितना ईजाद करेगा, इसकी जजा हो जाएगी। तो कुल्लमा जब के मानों में है, यानी इसकी शर्त है। वलम्मा जाओम रसूलुन मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक लिमा माहुम, और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए इन यहूदियों के पास जो तस्दीक करने वाले थे उस तौरे तो इंजील की जो इनके पास मौजूद थी, तो क्या हुआ, लम्मा जब आए तो नबज़ा फरीक़ु मिनल्लज़ीना, देखिए ऊपर वाली आयत की तरह यहाँ पर भी उसी तरीके से नबज़ा फरीक़ु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा किताब अल्लाह है। खूब तवज्जो करें, देखिए आयत क्या है, नबज़ा का माना क्या बताया था अभी हमने ऊपर, नबज़ा यानी अहद के साथ था। देखिए अब ये हर जबान के साथ थोड़ा बहुत होता ही है, अरबी जबान में थोड़ा शायद ज्यादा होता हो कि एक ही लफ्ज होता है लेकिन उसको मुख्तलिफ माना में फिट होता है। ये ऊपर अहद का लफ्ज आया था तो अहद छोड़ देना, अहद तोड़ देना, यहाँ पर तोड़ देने के माना तो नहीं बैठेंगे, सही ना, क्योंकि कोई अहद व पैमान नहीं है, यहाँ पर छोड़ देने का माना जो कोई ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाले थे, तो नबज़ा छोड़ दिया, फरीक़ मिन अल्लज़ीना उद फरीक, एक गुरु, किसका गुरु, मिन अल्लज़ीना उतुल किताब, उन यहूदी और ईसाइयों का कि जिनको उतुल किताब यानी जिनको किताब अता की गई, उतुल किताब यानी जिनको किताब, उतु उतु का मतलब क्या होता है, अता करना, अरबी में जो है वो अता ऐन के साथ भी इस्तेमाल होता है, हमजा अलिफ के साथ भी इस्तेमाल होता है, ईता ईता इतियानु सलात, नमाज को अंजाम देना, अगरचे इतियान के थोड़े से वास्ट माना है, अता अता जो वो देने के मानों में होता है। नबज़ फरीक़ु मिनल लज़ीन ऊतुल किताबा, जब उनको फरीक़ुन यानी गुरु, किसका गुरु, मिनल लज़ीन ऊतुल किताब, उन लोगों का गुरु जिनको किताब अता की गई। खूब कौन मुराद है, ये यहूदी ईसाई, ये बेसर ज़ाहिर जो कोई आयात जो है वो यहूदियों से ज़्यादा मुखातब है, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर की आयात को भी मुलाहिज़ा फरमाया होगा, फरीक़ु मिनल लज़ीन ऊतुल किताब, तो नबज़ा फरीक़ुन, नबज़ा का फ़ाइल है फरीक यानी छोड़ दिया, नबज़ा का मतलब होता है तर्श, ऊपर भी बयान किया था, अगर जो तोड़ने के मानों में भी आता है लेकिन यहाँ पे तोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है, यहाँ पे छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, फरीक़ु मिनल लज़ीन ऊतुल किताब, ऊतुल किताबा जिन लोगों को किताब अता की गई थी उनके एक गुरु ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, किताब अल्लाह है, ये किताब अल्लाह मफ़ूल है, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। अब यहां पर अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, अब ये कौन सी किताब मुराद है, दो एहतमाल है, खूब तवज्जो करें,
नबज़ा फरीक़ मिन अल्लज़ीन उतुल किताबा, तो छोड़ दिया उस गुरु ने कि जो उन लोगों में से था जिन पर किताब नाजिल की गई, जिनको किताब अता की गई। क्या छोड़ दिया? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को। अल्लाह की किताब, वो कौन सी किताब मुराद है यहाँ पर? आया किताब तौरे तो इंजील मुराद है। खूब तवज्जो करें, ये माना किताब तौरे तो इंजील मुराद है या कुरान मुराद है? और आप कहें कि भाई तौरे तो इंजील क्यों मुराद हो सकती है, तौरे तो इंजील क्यों मुराद हो सकती है? हो, इसलिए किताब तौरे तो इंजील मुराद हो सकती है क्योंकि किताब तौरे, देखें तवज्जो करें, अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स किताब की बाज बातों को ओन ना करे तो गोया ऐसा है जैसे उसने किताब को ओन नहीं किया, सही है ना? उसने गोया किताब को ओन नहीं किया। मसलन ये कहे कि भाई ये बात जो कि मैं नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब आप किताब को ओन नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि जो वो इस किताब तौरे तो इंजील में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आई थी और उसको आप ओन नहीं कर रहे हैं, इसको आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं, इसको ईमान नहीं लेकर आ रहे, इसको कबूल नहीं कर रहे, तो गोया किताब तौरे तो इंजील को आप कबूल करने वाले नहीं हैं। तो जो फरमाया आपने, खूब लिहाजा उतुल यानि नबजा किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया यानी तौरे तो इंजील को छोड़ दिया गोया तुम लोगों ने, इसलिए कि तुम लोग देखो रसूल के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए जबकि तौरे तो इंजील में रसूल की बशारत दी गई थी, सही। नबज़ फरीक़ मिन अल्लज़ीन उतुल किताबा किताब अल्लाह है। देखिए उतुल किताब, ये किताब अल्लाह, ये किताब नबज़ का मफ़ऊल है। नबज़ फरीक़ किताब अल्लाह है यानी उस गुरु ने छोड़ दिया अल्लाह की किताब को। पहला वाला किताब क्या है? ये उतू का मफ़ऊल है। फरीक़ मिन अल्लज़ीन यानी यूं अगर आपको कौमा देना हो कुरान में तो यूं कौमा दें कि नबज़ फरीक़ मिन अल्लज़ीन उतुल किताबा, उसके बाद एक कौमा दें, सही ना? कि एक गुरु के जिनके ऊपर किताब नाजिल की गई उन्होंने छोड़ दिया, तर्क कर दिया। किस चीज को तर्क कर दिया? किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब को। पता, एक एहतमाल ये तौरे तो इंजील मुराद हो और एक मुरा एक एहतमाल ये है कि जो खुद है कुरान मजीद मुराद हो, दोनों हो सकता है। और कुरान मजीद को छोड़ दिया, अब मुमकिन है, तवज्जो करें, बहरहाल फिलहाल यहाँ पर दोनों एहतमाल है। शायद जो है वो तौरे तो इंजील नहीं मालूम क्यों मुझे थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, लेकिन बहरहाल असल चीज़ है ज़ुहूर। ज़ुहूर की हद तक नहीं है तो इस अपीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। नबर ज़फरी को मिन अल्लज़ीन उतुल किताबा किताब अल्लाह है यानी उस तौरे तो इंजील को छोड़ दिया। वरा ज़ुहूर हिम, वरा ज़ुहूर हिम उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, पसे पुश्त यानी इग्नोर कर देना। वरा कहते हैं, वरा कहते हैं बैक को, जुहूर कहते हैं पीठ को। जुहूर किसको कहते हैं? जुहूर वो करबला का जुमला, अलान इनकसरा ज़ाहरी। ज़ाहर किसको कहते हैं? मेरी कमर तोड़ दी, मेरी कमर टूट गई। अलान इनकसरा ज़ाहरी यानी मेरी कमर टूट गई, सही ना? तो जुहूर जो है वो पुश्त को कहते हैं, कमर को कहते हैं। वरा बैक को कहते हैं, सही ना? वरा बैक को कहते हैं यानी उन्होंने अपने पसे पुश्त, सही ना? उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया, इसको पसे पुश्त डाल दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। तो यहां पर भी जो वो उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया यानी छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। कअन्नहुम ला यालमून, कअन्ना आता है अरबी में गोया। हम कब इस्तेमाल करते हैं गोया? गोया के यूं हैं, गोया के यूं हैं हम कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर जो है वो एक शख्स अगर किसी को कोई एक जुमला कहे तो वो ये कहे कि गोया तो मेरी तजलील कर रहे हो, मेरी तौहीन कर रहे हो। जो तौहीन में नहीं की थी उसने मसलन, लेकिन चूंकि उसका खुलासा ऐसा निकल रहा है कि गोया तुमने मेरी
तौहीन की। तो गोया उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यहां पर भी कुरान इसी तरीके से कानुम ला यालमून, इस तरीके से इन्होंने पसे पुश डाल दी है उस किताब को जैसे ये लोग जानते ही नहीं थे। कानो इग्नोर, जब इंसान इग्नोर करता है तो किस तरह इग्नोर करता है, इग्नोर किसको कहते हैं, तवज्जो करें, ये इग्नोर का लफ्ज बहुत ही अच्छा है। इग्नोर किसको कहते हैं, पता है लेकिन इग्नोर किया जाए, सही ना। पता, चूंकि अगर पता ही ना हो तो इग्नोर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता है, सही ना। मिसाल के तौर पर आप किसी महफिल में गए, आपने 10 लोगों से मुलाकात की, 11वें शख्स से मुलाकात नहीं की, तो अगर आपने उसे वाकई ना देखा हो, उसको भी पता कि नहीं देखा है, तो नहीं कहा जाएगा कि आपने मुझे इग्नोर किया। इग्नोर कब किया जाता है, जब देखा और उसको छोड़ दे, तो वहां पर इग्नोर किए का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां पर भी जो वो यही इस आयत का तर्जुमा होगा, कल का अन्नहुम ला यालमून, जैसे ऐसे उन्होंने छोड़ दिया जैसे उनको पता ही नहीं था, सही ना। यानी पता था और पर इग्नोर किया, तवज्जो किया आपने, पता था और इग्नोर किया और उसको पसे पुश डाल दिया, ऐसे अनजाने बन गए कि जैसे पता ही नहीं था कुछ, सही ना। खूब, ये आयत भी तकरीबन यहां पर जो वो मुकम्मल हुई। उसके बाद की आयत जो है वो काबिले तवज्जो आयत है, और आयत नंबर 102। अच्छा, हमने एक गुज़िश्ता गुफ्तगू में एक इश्तबा किया था, चूंकि हमने सरसरी 102 आयत पे निगाह डाली थी, तो एक जुमला कहा था, ये आयत भी जो है वो बनी इसराइल ही से मुखातब है, और ये आयत बड़ी अहम आयत है और काफी एक खास वाकये की तरफ इशारा है। अब मैं इस आयत को इस मुख्तसर से वक्त में शुरू करूं या ना करूं, चलें थोड़ा सा जो कि हम इस आयत का बैकग्राउंड दे देते हैं। अच्छा, ये आयत मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की थी, इसीलिए नहीं की थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, तो ये 2-4 मिनट जो है वो मैं एक बैकग्राउंड दे दूँ आपको इस आयत का, फिर जो कि हम इस आयत का तर्जुमा करेंगे। ये दर हकीकत जो है वो बयान किया जाता है कि रिवायतों से जो चीज़ समझ में आती है। अच्छा, इस आयत को वाकई समझने के लिए अगर आपके पास रिवायत का सहारा ना हो तो ये आयत बहुत अच्छे तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगी कि ये आयत क्या कहना चाह रही है। वो इसका तर्जुमा आप लोग देखें तो तर्जुमा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आयत एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है ये समझ में नहीं आएगा, जाहिर जब तक हमारे पास इसके बैक में रिवायात आकर इसको बयान ना करें। तो मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड दे दूं कि कहा जाता है कि जो रिवायतों से जो बात इस्तेफादा होती है वो ये कि हजरत सुलेमान जो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम, उनके जमाने में जादू, सहर और जादू, ये जो है वो परवान चढ़ा था या चढ़ रहा था या एक उरूज पर था। हजरत सुलेमान ने क्या किया, हजरत सुलेमान ने, चूंकि बहरहाल हजरत सुलेमान एक तकरीबन उन अंबिया में से है कि जिनकी ताकत और कुदरत थी, अक्सर अंबिया जो है वो जुटलाए जा रहे थे और उनकी तकजीब होती थी, उनका इनकार होता था, तो उनके पास कोई जाओ हशमत हो, हुकूमत हो, ताकत हो, कुदरत नहीं थी अक्सर अम्बिया के पास। लेकिन हज़रत सुलेमान की खूब ताकत और कुदरत और पूरी ममलिकत थी उनकी, पूरी एक हुकूमत थी उनकी। तो उनके ज़माने में बहरहाल यह है कि सहर और जादू का काफ़ी जोर था, और काफ़ी उस ज़माने में सहर और जादू, ये तारीख जो बाज़ मुफस्सिर कहते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं मालूम कि जादू की असल तारीख क्या है, कहाँ से जादू आया है, और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जादू पर भी रोशनी डालेंगे। तो
कहते हैं कि चूंकि ये आयत बड़ी तफसीली आयत है, इसमें बाज़ नुकात हैं जो काबिल तवज्जो नुकात हैं। तो हज़रत सुलेमान ने क्या काम किया जब देखा कि हज़रत सुलेमान ने, क्योंकि जादू आम तौर पर जादू का इस्तेमाल धोखे और फरेब के लिए किया जाता है, जादू का आम तौर पर इस्तेमाल धोखे और फरेब के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाले को धोखा दे, सामने वाले को जो को फरेब दे। और बहरहाल जादू की शदीद मजम्मत है हमारे पास भी, हमारी रिवायतों में भी बहुत कंडेम किया जादू को। और बाज़ औक़ात वाकई अफसोस होता है कि हमारे माशरे में जिस तरीके से बाज़ वाकयात हमने सुने, नहीं मालूम कि कहाँ तक इसकी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन हमारे माशरे में ये जो है वो ज़माने जाहिलियत की ये चीज़ मोमिनीन के दरमियान हमने सुना है कि काफ़ी हद तक राइज है ये जादू। इंशाल्लाह जादू के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे कि जादू की चंद अकसाम हैं। तो वाकई मोमिनीन मोमिनीन को जो है वो जादू के इस फरेब में डालते हैं। और बहरहाल शदीद गुनाह कबीरा बयान किया जाता है जादू करना। तो क्योंकि आमतौर पर ये जादू जो वो फरेब के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी वो जो ह्यूमैनिटी का नारा बुलंद करते हैं, और वो सिर्फ अपने मकसद के ह्यूमैनिटी के नारे बुलंद करते हैं, खूब ये भी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। आप जो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करते हैं वो भी, ये भी जादू और सहर और जादू, खूब ये भी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, क्योंकि आमतौर पर ये धोखे और फरेब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अला ये हाल, लेकिन बहरहाल दुनिया में जो वो ब्लैक मैजिक करके जो मशहूर है कि इंतहाई खतरनाक किस्म का जादू है, और इसके जरिए से जो वो नुकसान इजरार जरर पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर इसकी भी नफात हैं, इसके फायदे हैं कि इंशाल्लाह आगे कुछ इशारा करेंगे, लेकिन नॉन आम तौर पर जो वो, जैसे मिसाल के तौर पर जहर, अब जहर के एडवांटेजेस हैं, जहर के एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो है वो डिसएडवांटेजेस और इसका नेगेटिव इस्तेमाल ज्यादा है जहर का, वरना इसको एज अ मेडिसिन और बाज़ चीज़ों के इलाज के लिए इसको जो वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसके एडवांटेजेस हैं, इसके फायदे हैं। लेकिन चूंकि आमतौर पर जहर नॉन जो को जहर जो वो एक नेगेटिव मानों के लिए इस्तेमाल होता है, तो जादू जो हज़रत सुलेमान के ज़माने में जो है वो कहते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया। तो हज़रत सुलेमान ने क्या किया कि जितने भी जादू के ऊपर किताबें और सफ़ात लिखे गए थे, उन सबको जमा करके अपने पास छुपा दिया, अपने पास छुपा के रख दिया। अब यहाँ पर बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ज़ाहिरन छुपाने की ज़ाया उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि बहरहाल जादू का एक एडवांटेज भी है। वो क्या है? अहम तरीन एडवांटेज है वो। वो क्या है? जादूगरों के जादू को तोड़ने के लिए। हाल अब ये फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या जादू को तोड़ने के लिए जादू को इस्तेमाल किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता। एक फिकही और इस्तेदाली गुफ्तगू की जो हमारे इससे कोई फिलहाल सरोकार नहीं है। तो ये जो है वो कहते हैं कि हजरत, अब ये चीज रिवायत में नहीं आई है, ये ब्रैकेट में बात कही गई है कि शायद इस वजह से कि इसके फायदे को मद्देनजर रखते हुए, या मुमकिन है इम्तिहान भी गरज हो सकता है कि इम्तिहान की इंशाल्लाह उस पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे कि इम्तिहान जो वो एक अहम तरीन चीज़ है। इम्तिहान कि खुदावंद मुताल जो है वो इंसान को इस दुनिया में भेजा है इम्तिहान की खातिर, ताकि इंसान कमाल तक पहुंचे। हालांकि जो भी मकसद था कि हजरत सुलेमान ने जो है वो इन चीज़ों को छुपा कर अपने पास महफूज कर दिया। जब हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया तो एक गुरु ने जो है वो इन तमाम औराक और निविश्ते और जो सफ़ात थे, जो पेपर्स थे, कागज़ थे जिसके ऊपर ये जादू का इल्म लिखा गया था, बाज़ लोगों ने इसमें से निकाला और इसको तशहीर कर दिया, इसकी तालीम देना शुरू कर दी, इसको आम करना शुरू कर दिया। अब तवज्जो करें, अजीब है वाकान, यानी शैतान किस तरीके से इंसान को गुमराह करता है। अलामान अल हफीज। खूब हम मोमिनीन के बारे में भी हमारे जहनों में इसी किस्म के ख्याल आते हैं, और वाकान हमारे हर इंसान के जहन में, देखिए ख्याल आना
और ख्याल आने के बाद आप उसको फौरन उसको नीस्तो नाबूद कर दें, उसको दफा कर दें, और ये ईमान की अलामत है। लेकिन जब हम उसको पकाना शुरू करें अपने जहन में और उसकी फिर उसको जो कि वो फैलाना भी शुरू कर दें, तो ये खत अनजायज नहीं है। खूब जहन में आना तो एक फितरी चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, अगरचे वो भी शायद नफ्स की पाकीजगी ना होने की वजह से जहन में आता है। लेकिन देखें आप कि जब उन्होंने नशर व इशाअ शुरू कर दी, उन निविश्ते और उन कागज़ के जिस पर सहर वगैरह की तालीम लिखी गई थी, खूब बाज़ लोगों ने इससे इस्तेफादा उठाया, सू इस्तेफादा किया। क्या सू इस्तेफादा किया? बाज़ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बाबा हज़रत सुलेमान कोई नबी वबी नहीं थे, ये जो हज़रत सुलेमान के पास जो मोजीज़े थे ये मोजीज़े नहीं थे। मोजीज़ा तवज्जो करें, मोजीज़ा और जादू, अब ये एक अलग एक गुफ्तगू है कि मोजीज़ा और जादू के दरमियान क्या फ़र्क है, सही ना? मोजीज़ा और जादू के दरमियान क्या फ़र्क है, ये एक अलग गुफ्तगू है कि इसको भी शायद देखते हैं कि अगर मौका हुआ तो हम आपकी खिदमत में थोड़ा इशारतन मतलब जो कोई इंशाल्लाह बयान करेंगे। क्योंकि हज़रत सुलेमान सलामुल्लाह अलैह जो वो बाज़ ऐसे अफ़ाल अंजाम देते थे जो खारिकुल आदत थे, जो नॉर्मल इंसान अंजाम नहीं दे सकता था, जिस तरह शहर को अंजाम नहीं दे सकता, इस तरह मौजूदा भी इंसान आम इंसान अंजाम नहीं दे सकता है। तो बाज़ लोगों ने ये जो वो इससे सुए इस्तेफादा करना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया, बाबा कहते हैं हज़रत सुलेमान को नबी वबी थोड़ी थे, ये जो मौजीज़ा था ये तो दर हकीकत सहर और जादू से उन्होंने पूरी हुकूमत को कंट्रोल किया हुआ था, और हवाओं के ऊपर कंट्रोल था, और हैवानों की जबानें जानते थे, और जो 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 मौजीज़े थे हज़रत सुलेमान के और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनके ऊपर ये तोहमत लगाई, उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया तराशा कि वो नबी नहीं थे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बल्कि वो तो एक साहिर और एक जादूगर थे, और उसके ज़रिए से जो कि उन्होंने मुल्कों के ऊपर और के ऊपर तसल्लुत किया और ये फ़ौक़ुल्आदा और ख़ारिक़ुल्आदा उमूर को अंजाम दिया। ये नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये सहर की वजह से था ना, कि जो कि वो जिस तरह की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तंज व ताना दिया गया था। यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज करके आज की गुफ्तगू में यहीं पर समेट दूँ कि अब ये बात याद रहे कि खुदावंद मुताल हुज्जत को तमाम करता है। खुदा कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता है जो मशकूक और डाउटफुल हो। तो जो फरमाया आपने ये मुमकिन मुहाल है, इम्पॉसिबल है, वरना हुज्जत तमाम नहीं होगी। हुज्जत यानी फिर मैं तर्जुमा कर दूं, हुज्जत यानी आर्गूमेंट करना, जिसके जरिए खुदा कयामत के लिए आर्गूमेंट करेगा। अब अगर ऐसा आर्गूमेंट हो कि जो जू माना हो, दो एहतमाल हो, शायद यू शायद वो, तो वो आर्गूमेंट नहीं बनेगा, वो हुज्जत नहीं बनेगी। और खुदा बुजुर्गो बाला और तमाम ऐब से पाको पाकीजा है कि खुदा ऐसी कोई बात कहे कि जो कयामत के दिन जो को डाउटफुल और शक व तर्दीद की हद तक जो को बाकी रहे और जो को उसके जरिए खुदा आर्ग्यूमेंट ना कर सके। लिहाजा ये मुहाल है, इम्पॉसिबल है कि जब मौजीजा नबी बयान करें तो देखने वालों के लिए पता ना चले कि ये मौजीजा है या जादू है। ये एक अहम तरीन नुकता था आज की गुफ्तगू का, जो इंशाल्लाह आप मुलाहिजा फरमाइएगा और तामुल और गौर कीजिएगा इस नुकते के ऊपर, क्योंकि खुदावंद मुताल जो है वो जो कादिर मुतलक है और जो इंसानों की हिदायत के लिए अम्बिया को भेजता है, और उसके काम जो कि वो हकीम है, वो हकीम का मतलब क्या, उसके काम एक्यूरेट है, मुहकम और मजबूत है। मेरे और आपकी तरह खुदा काम नहीं करता है नक्स और ऐब के साथ कि आज हमने एक चीज बनाई, 5 साल के बाद पता चला कि नहीं ये तो हमने गलत बनाया। जिस तरीके से आज दुनिया की साइंस है, और एक चीज साबित हुई, कल दूसरी चीज साबित हुई, पहली चीज बातिल हो गई, फिर तीसरी चीज साबित हुई तो दूसरी चीज बातिल हो गई, सही ना? ये अलामत है कि ये हकीमाना काम नहीं है। ये हकीमाना काम क्या होता है, जो मोहकम और मजबूत हो, और खुदा से बढ़कर कौन हकीम हो सकता है। लिहाजा खुदा ने मुताल जब नबी को भेजता है तो ऐसा मोजिजा नहीं देता कि सुन सामने वालों को पता ना चले कि ये मोजिजा है या जादू है, तो हुज्जत तमाम नहीं होगी, सही है ना? और वो लोग भी माजूर रहेंगे, जो अवाम है उनके पास भी एक्सक्यूज बाकी रहेगा कि हमारा क्या कसूर, हमें कैसे पता चले। तो लिहाजा खुदा जब भी किसी को मोजीजा देता है नबी को, तो सामने वालों के लिए ये हुज्जत होता है। कि इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर इंशाल्लाह करेंगे कि जादू और हुज्जत में क्या फर्क है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा बयान करें, ताकि इस शुबे को भी
थोड़ा सा बयान किया जा सके। वसल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तय्यबीन तहरी वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।